चलिए सबसे पहले हम लोग का जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर आता है, चाहे वो बीसीए में आए, एमसीए में आए या बीटेक में आए, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक या दो नंबर का। कन्वर्टर बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल, उसमें आपको कोई भी वो बाइनरी डिजिट दे देंगे और उसके आपका इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक तरीका सीखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसा कि बाइनरी का बेस जो होता है वो टू होता है, बाई। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं इस डेसिमल नंबर में, कितने डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8 टाइम 2 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली आप अपने जो भी आपने जितने भी थे डिजिट थे उसमें आपने उतनी बार यहाँ पे 2 लिख लिया, और उसके बाद आप राइट हैंड साइड से उस पर वैल्यू पुट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, ... सो ऑन। इस तरीके से आप सिर्फ इसकी पावर पे वैल्यू पुट करते जाइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या करेंगे, हम लोग इनकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होती है, इक्विवेलेंट 1 होता है, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। बीच में हम लोग इसको ऐड कराते रहेंगे, प्लस 2 की पावर 1 2 रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा एंड 128 हो जाएगा। हम लोगों ने सारे पावर्स को सॉल्व कर लिया, बट अब हमें इन सबको ऐड नहीं करना है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, जहां जहां पे जीरो है हम लोग उन नंबर को स्किप करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे 128 आया, सेकंड नंबर पे जीरो आ गया हमारे पास, हम लोग जीरो वाला नंबर स्किप कर देंगे। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे 1, अगेन हम लोग 32 को कंसीडर करेंगे। फोर्थ नंबर पे 0 है, फोर्थ नंबर को फिर से स्किप कर देंगे। फिफ्थ नंबर पे 1 आया, 8 कंसीडर होगा, बट सिक्स नंबर पे अगेन 0 है, हम लोग 4 को स्किप कर देंगे। उसके बाद फिर से हमारे पास 1 है, 2 को कंसीडर करेंगे, और लास्ट में 1 है, इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ क्या किया, पहले जितने नंबर, जितने उस बाइनरी नंबर में जितने डिजिट थे उतनी बार मैंने 2 लिखा, उनकी पावर राइट हैंड साइड से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... सो ऑन लिख दी। उसके बाद उनकी पावर को सॉल्व कर लिया, बीच में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद बस ध्यान ये देना है कि जहां जहां पे 0 है हम लोग उन नंबर को स्किप करते जाएंगे। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 64 गया, 16 चला गया, 4 गया एंड 1 चला गया। हमारे पास से इतने नंबर्स बचे, अब हम लोग इसको सिंपली ऐड कर लेंगे, 8 to 10 प्लस 32 प्लस 128, 32 प्लस 10 42 प्लस 128, 8 to 10, 4 to 6 and 1। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये इक्विवेलेंट है 160 डेसिमल। सॉरी गाइस, एक्चुअली इट वाज 170 नॉट 160। या सो हम लोग का जो बाइनरी नंबर था वो 170 के इक्विवेलेंट हो गया। चलिए अब एक दूसरा तरीका देखते हैं, आई होप कि आप लोग को ये तरीका समझ में आया होगा। क्या होता है ये, एक्चुअली में एक शॉर्टकट तरीका है उसी का ही, जैसे कि अभी आप लोगों ने सॉल्व किया था तो हम लोग के पास कुछ नंबर्स आ रहे थे पावर सॉल्व करने के बाद, मे बी आप लोगों ने उसको कंसीडर किया या नहीं किया, मैं फिर से बता देता हूँ। वो नंबर्स कुछ इस तरीके से थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो अगर आपको ये नंबर्स याद हो जाते हैं तो इससे अच्छी और भी बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट नंबर याद कर लीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपका एग्जाम्स में या पेपर में क्वेश्चन आता है तो अगर आपको डायरेक्ट ये नंबर्स याद है तो आप इस नंबर्स के थ्रू अपना टाइम बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप 2 की पावर सॉल्व करते रहें वहाँ। तो इससे क्या होगा, आप सिंपली ये नंबर लिख लीजिए, उसके बाद जहाँ जहाँ 1 है उस वाले नंबर को कंसीडर कर लिए, 0 हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 2 ले लेंगे, उसके बाद 0, 4 नहीं लिया जाएगा, 8,
देन 16 नहीं कंसीडर करेंगे, 32 कंसीडर होगा, 64 कंसीडर नहीं होगा, 128 कंसीडर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम वही डिजिट्स आ गई हैं जो पहले थी हमारे पास, और इन सबको फिर से हम ऐड कर देंगे तो हमारा 170 आ जाएगा डेसिमल में। तो गाइज ये था हम लोग का मेथड कन्वर्ट करना बाइनरी नंबर को डेसिमल के इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एक और बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, जो कि अभी हम लोगों ने किया था वो एक सिंपल बाइनरी नंबर था, उसमें कहीं पे पॉइंट नहीं था, उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं था। बट इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो नंबर है वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसका जो डेसिमल कन्वर्जन होगा एक इंटीजर होगा, बट यहाँ पे पॉइंट लगा है और ये हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस टाइप के अगर हम लोग के पास नंबर आ जाते हैं बाइनरी कोड में तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हम लोग सीखते हैं। चलिए इसके लिए भी हम लोग को कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम लोग इतना पार्ट हटा देते हैं 0.010, इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं और इसको एज अ 1101 सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो जैसा कि प्रोसीजर अभी मैंने प्रीवियस इससे पहले फॉलो किया था, आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। जैसा कि मैंने बताया था जितने भी डिजिट्स होंगे उतने टाइम आपको 2 लिखना है, देन फ्रॉम राइट आपको 0, 1, 2, 3 पावर ऐड करनी है। तो वही मैंने किया हुआ है, चार डिजिट्स थे, मैंने 4 बार 2 लिखा और उनकी पावर पे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन। अगर 4 से ज़्यादा होता तो 4 से ज़्यादा आप लोग लिख सकते थे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इक्विवेलेंट 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 और किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वस्ट 1, जैसा कि मैंने अभी बताया था ये 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, जहाँ पे 0 है हमें वो स्किप कर देना है। 8 कंसीडर होगा प्लस 4 कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा, बट 2 के प्लेस पे यहाँ पे 0 है तो हम लोग 2 को स्किप कर देंगे प्लस 1। इसका टोटल हम लोग का कितना हो गया, 13। चलिए ये तो हो गया नॉर्मल जो हम लोग का बाइनरी डिजिट थी। अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाते हैं, पॉइंट वाले पोर्शन में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस है इस वाले से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग प्लस में पावर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप 3 times 2 लिखिए क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, उसके बाद उनकी पावर माइनस में लिखते जाइए, -1, -2, -3। माइनस ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे 0 है आप उसको स्किप कर देंगे, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इक्विवेलेंट 1/4, और 1/4 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 0.25, हमारे पास 13 डेसिमल वैल्यू आ गई और फ्रैक्शनल वैल्यू 0.25 आ गई। इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख देंगे 13.25। ये हमारी इस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हो गई। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कन्वर्जन पढ़ेंगे, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।